हाय बच्चों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान के दसवें सेक्टर पहुंच गए हैं और इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और ये आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक है। बच्चे, मैं बार बार बता रहा हूं कि देखिए, एग्जाम काफी लंबी प्रक्रिया है और इसमें मैं प्रयास करूंगा कि अधिक से अधिक सेटों को डिस्कशन करके डाल दूं, क्योंकि यह एक प्रैक्टिस वर्कबुक है। इसलिए आप लोग धैर्य पूर्वक देखते रहें और अगर किसी प्रश्न में आपको प्रॉब्लम लगता है, यदि आगे वाला कोई सेट बनाते हैं, तो आप उस प्रश्न को क्या कीजिए, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ये देखिए, रुक्मिणी प्रकाशन लाइव, तो उस पर क्या कीजिए कि फोटो खींच करके आप डाल दीजिए, मैं उसका तुरंत आपको सॉल्यूशन अवेलेबल करवाऊंगा। बच्चे, किसी भी तरह का टेंशन नहीं लेना है, आपको मेरे पर विश्वास है और मुझे पता है कि बच्चों को सफलता किस प्रकार दिलानी है। इसलिए बच्चे, एकदम धैर्य पूर्वक क्वेश्चन का डिस्कशन देखिए और इसका लाभ उठाइए और एग्जाम हॉल में इसी प्रकार के प्रश्न रहने की संभावना है। तो बच्चे, एनटीपीसी में और ग्रुप डी में दोनों एग्जाम के लिए ये एक प्रकार से क्या कहिए, एक प्रकार से राम बूटी है। तो इस राम बूटी का सेवन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने का प्रयास कीजिए और सफलता को छीन लीजिए अन्य व्यक्तियों से। चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर सेट नंबर 10 पर और इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बच्चे, ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, कह रहा है कि परिवर्तनीय व्यास की एक क्षैतिज नली में एक द्रव प्रवाहित हो रहा है, दाब कम होगा जहां पर। यहां देख लीजिए, क्वेश्चन है कि परिवर्तनीय व्यास की एक क्षैतिज नली में एक द्रव प्रवाहित हो रहा है तो दाब कम होगा जहां, आपको क्या होगा, जहां भी दाब कम होगा वहां पर वेग अधिकतम होगा। वेग क्या होगा, अधिकतम होगा। ध्यान दीजिएगा जरा मेरी बात को, क्या कह रहे हैं, ये बर्नौली थ्योरम पर आधारित है। P प्लस, ठीक है, P प्लस आपको क्या होता है, P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर नियत होता है। इसको हम बर्नौली का थ्योरम कहते हैं। कौन सा थ्योरम कहेंगे, बर्नौली का थ्योरम। और देखिए, ये वी वेलोसिटी है तो प्रेशर जहां कम होगा वहां पर वेग का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। और वेग अधिकतम कहां पर होता है, आपको पता होनी चाहिए कि पाइप में वेग अधिकतम होगा कहां पर, मध्य बिंदु पर। और जैसे जैसे इधर की तरफ बढ़ेंगे वेग का मान क्या होगा, घटता जाएगा। वेग का मान क्या होगा, घटता जाएगा। और अगर हम इसी को हम नदी के प्रवाह से जोड़ते तो नदी के प्रवाह में सबसे अधिक वेग कहां पर होता, तो आपको ऊपरी परत पर होता, ऊपरी परत पर सबसे अधिक वेग। जबकि पाइप की अगर बात करेंगे तो मध्य बिंदु पर वेग का मान सबसे अधिकतम होगा। तो ध्यान दीजिएगा, परिवर्तनीय व्यास की एक क्षैतिज नली में एक द्रव प्रवाहित हो रहा है तो दाब कम होगा जहां वेग क्या होगा, अधिकतम होगा। और यह किसके द्वारा गवर्न हो रहा है, तो यह बर्नौली के थ्योरम के द्वारा गवर्न हो रहा है। और बर्नौली का थ्योरम क्या कह रहा है कि प्रेशर यानी पी प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर क्या होता है, नियत, यानी ये कुल ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा आपको ध्यान में रखिएगा कि दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और अस्थैतिज ऊर्जा का कुल योगफल जो है आयतन के अनुपात में हमेशा नियत होता है। इसे ही हम बर्नौली का प्रमेय कहते हैं। और याद रखिए कि पाइप में, हॉरिजॉन्टल पाइप में सबसे अधिक वेग मध्य बिंदु पर, और अगर हम नदी के परत की बात करें तो सबसे अधिक वेग कहां पर होगा, तो उच्चतम बिंदु पर होगा। तो बच्चे, ये बहुत बहुत आवश्यक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। परिवर्तनीय व्यास की एक क्षैतिज नली में एक द्रव प्रवाहित हो रहा है तो दाब कम होगा जहां पर क्या होगा, वेग अधिकतम होगा। आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए थोड़ा सा इसमें और भी देखते हैं। आपको पता होगा कि ये देखिए, मैंने क्या बताया कि देखिए मध्य बिंदु पर वेग का मान अधिक, जैसे जैसे ये इधर की ओर बढ़ रहे हैं तो वेग का मान क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि तरल के परतों के बीच घर्षण बल लग रहा है। देयर इज द, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन डिफरेंट लेयर्स। ये लेयर्स के बीच में क्या हो रहा है, आपको फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जिसके कारण तरल का वेग घटता जाता है और यह जो है स्यानता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्यानता कहलाएगा। यानी, ठीक है, आपको तरल के प्रवाह का जो विरोध करेगा उसे ही हम क्या कहते हैं, स्यानता या विस्कोसिटी कहते हैं। तो ये विस्कोसिटी के कारण वेग का मान धीरे धीरे क्या होगा, घटता गया। विस्कोसिटी के कारण धीरे धीरे वेग का मान क्या हो गया, घटता गया। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है।
ये मैंने एक फिगर भी बनाया है कि परिवर्तनीय व्यास की एक क्षैतिज नली में एक द्रव प्रवाहित हो रहा है, दाब कम होगा जहां वेग अधिकतम होगा, और मैंने यह भी बताया आपको कि यह गवर्न हो रहा है किसके द्वारा, यह केवल गवर्न हो रहा है बर्नौली थ्योरम, बर्नौलीस थ्योरम के द्वारा गवर्न होगा। और यह ध्यान में रखिएगा कि क्षैतिज पाइप में मध्य बिंदु पर वेग अधिकतम और नदी प्रवाह में वेग सबसे अधिक अधिकतम कहां होगा, ऊपरी परत का वेग अधिकतम होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां देखिए रो प्रतिरोधकता, एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले धातु के एक तार में जिसमें से 30 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 30 सेकेंड में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, विभवांतर भी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। अब देखिए आपको पता है कि प्रतिरोध आर समानुपाती होता है लंबाई के, चालक तार की लंबाई के, प्रतिरोध आर समानुपाती होगा क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती 1/a के, यानी ये मान लीजिए चालक तार है तो चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वह लेंथ का प्रोपोर्शनल और एरिया का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों को मिला देते हैं, आर बराबर रो L अपॉन क्या हो गया, A हो गया। ये देखिए जिस तरह से है L उसी तरह से L लिए क्वेश्चन में, चूंकि बड़ा वाला L दिया हुआ है इसीलिए बड़ा वाला L ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं बच्चे, यहां देखिए क्योंकि आपको ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, I R होता है, और R बराबर क्या हो जाएगा तो V अपॉन I, पुट कर दीजिए इसको और क्या करते हैं V बटे I, और ठीक है ये देखिए रो एल अपॉन क्या हो गया, ए हो गया। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, अब क्या है कि आई 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 यहां धारा है तो आई बराबर क्या होता है क्यू बाय टी होता है, तो आई बराबर क्या होगा क्यू बाय टी, तो पुट कर देते हैं इसमें मान, तो भी अपॉन क्यू अपॉन टी बराबर रो एल अपॉन क्या हो गया, ए हो गया भाई साहब। ये देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा आंसर आपको, ये हो जाएगा v इंटू टी, ये देखिए इसी को हम कर रहे हैं v इंटू टी, चूंकि t ऊपर चला गया और इंटू क्या कर दीजिए a कर दीजिए, बराबर क्या होगा तो रो इधर q गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा तो q रो इंटू क्या हो गया l हो गया। तो देखिए इस ऑप्शन में कहां पर है ये, तो इस ऑप्शन में डी ऑप्शन में आपको ये है। अब यहां से क्या क्या सीखे, देखिए कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम में, कुछ भी नहीं है लेकिन आपका समय जरूर खपत होगा इसमें, लेकिन थोड़ा सा ध्यान अगर रखिएगा तो कुछ भी नहीं है आपके सवाल में। क्या है कि चालक तार का प्रतिरोध लंबाई का समानुपाती, चालक तार का प्रतिरोध क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती, इससे मैंने निकाल लिया आर बराबर रो एल अपॉन ए, जहां रो जो है वो रेसिस्टिविटी है, रो क्या है रेसिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है, और यह प्रतिरोधकता रो क्या है प्रतिरोधकता है या रेसिस्टिविटी है, और इसका मान जो होता है याद रखिए बच्चे केवल तापमान और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहां से दो कंसेप्ट आ गया, पहला प्रतिरोध, ये क्या है भाई प्रतिरोध है चालक तार के, चालक तार से विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं, यानी द हिंड्रेंस या ऑब्स्टेकल्स when the electric current pass through the wire, conductor wire, तो वो जो hindrance है उसी hindrance को हम क्या कहेंगे आपको प्रतिरोध कहेंगे। और प्रतिरोध दो कारकों पर निर्भर करता है, पहला क्या हुआ तापमान, और दूसरा क्या हो गया चालक तार की लंबाई, और तीसरा क्या हो गया चालक तार का क्षेत्रफल। लेकिन प्रतिरोधकता या resistivity ये दो ही कारक पर निर्भर करेगा, पहला तापमान और दूसरा नेचर ऑफ द कंडक्टर यानी कंडक्टर की प्रकृति। यानी आपको अगर मान लीजिए क्या एजी है, एजी मतलब क्या हुआ सिल्वर है, तो सभी सिल्वर की प्रतिरोधकताएं क्या होंगी एक समान होंगी। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है तो इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। चलिए देखते हैं, तो वही बात मैंने यहां किया आर बराबर रो एल अपॉन ए, यहां से आर का मान मैंने पुट कर दिया, और यह देखिए मैंने एक चीज लिखा है इसको मैंने सॉल्व कर दिया। अब देखिए यहां देखिए मैंने लिखा है कि किसी चालक का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से बढ़ता, और इक्वेशन लिखा है कि आर टी बराबर आर नॉट वन प्लस अल्फा टी, वन प्लस अल्फा टी, ये क्या है भाई, ये है ठीक है कि प्रतिरोध जो है वह तापमान के बढ़ने से रेखीय रूप से लीनियरली बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, लीनियरली यानी रैखिक रूप से बढ़ता है, यानी
आपका प्रतिरोध ओम के नियम के अनुसार कोई भी ओमिक कंडक्टर होगा तो उसका जो ग्राफ होगा भी और आई का, ये देखिए ये हमेशा क्या होगा, भी और आई का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा जो मीन पोजीशन से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा? मीन पोजीशन से गुजरेगा, ध्यान में रखिएगा, मध्य बिंदु से गुजरेगा, यह ओमिक कंडक्टर है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, ये देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको। दो विद्युत बल्बों के प्रतिरोध एक अनुपात दो में है, याद रखिए एक अनुपात दो के अनुपात में, इन्हें समानांतर क्रम में एक स्थिर वोल्टता वाले स्रोत से जोड़ा जाता है। समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो विभव का मान नियत हो जाएगा, याद रखिएगा समानांतर क्रम में, किसमें है? समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है तो ये विभव क्या हो गया? नियत हो गया, विभव भी बराबर नियत हो जाएगा। और आपको पता है कि पी बराबर भी स्क्वायर अपॉन आर, पी बराबर भी स्क्वायर अपॉन आर है, तो भाई साहब भी जब नियत होगा, भी जब नियत होगा तो पी इंटू आर हमेशा क्या होगा? कॉन्स्टेंट हो जाएगा। और यहां से हम निकाल के लाएंगे पी वन आर वन बराबर पी टू आर टू, पी वन आर वन बराबर पी टू आर टू। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, प्रतिरोधों का अनुपात दिया हुआ है, यानी R1 अपॉन R2 ये दिया हुआ है एक अनुपात दो, तो इस क्वेश्चन से निकाल लीजिए P1 अपॉन P2 बराबर क्या हो जाएगा R2 अपॉन R1, ये पलट गया, यानी R2 अपॉन R1, देखिए R2 अपॉन R1 क्या हो जाएगा बच्चे, R2 अपॉन R1 ये हो जाएगा 2:1 और ये भी आंसर हो गया 2:1, देख लीजिए कहां पर है 2:1, तो ए नंबर में ही है 2:1, तो याद रखना है कि आंसर हो जाएगा क्या आपको 2:1 होगा। ध्यान में रखिएगा मैंने क्या क्या किया कि जब भी समानांतर क्रम की बात करते हैं तो समानांतर क्रम में विभव नियत होता है, विभव क्या होगा? नियत होगा, एकदम ध्यान में रखिएगा विभव नियत होगा। और आपको शक्ति पी बराबर, शक्ति पी बराबर क्या होता है, तो शक्ति पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाता है। और ये देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी इंटू आर हमेशा नियत होगा, यानी पी वन आर वन बराबर पी टू आर टू, इससे मैंने क्वेश्चन को बना लिया, तो एकदम ध्यान में रखिएगा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहां देख लीजिए के ध्यान दीजिएगा जरा, वही काम मैंने यहां भी किया है कि P1 R1 बराबर क्या होगा P2 R2। अब जरा देखिए शक्ति, शक्ति जब भी बात कीजिएगा तो शक्ति का मात्रक, शक्ति क्या होता है, तो कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, जूल पर सेकेंड होता है और इसे वॉट कहेंगे, क्या कहेंगे वॉट कहते हैं। और शक्ति को जब भी मेजर करेंगे तो P बराबर होता है क्या, देखिए V इंटू आई, जहां V क्या है आपको वोल्ट है, पोटेंशियल है, और I क्या है धारा है, V इंटू आई यानी आपको विभवांतर इंटू धारा का गुणनफल क्या कहलाएगा, शक्ति कहलाएगा। इसी से ले लीजिए P बराबर, V बराबर क्या होता है, IR होता है, तो I स्क्वायर R भी ये फॉर्मूला हो जाएगा। फिर देखिए आपको पता है कि आई स्क्वायर आर, अब देखिए आई का के बदले में भी बटा आर कर दीजिए तो भी स्क्वायर बटा आर होगा, तो ये सभी शक्ति के विभिन्न मात्रक हैं, शक्ति के विभिन्न फॉर्मूले हैं जिस पर आपको रेगुलर प्रश्न पूछा जाता है। पहला पी बराबर भी इंटू आई, पी बराबर आई स्क्वायर आर, पी बराबर भी स्क्वायर आर, तो याद रखिए पी बराबर भी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा कि जब भी शक्ति की बात करें तो कार्य बटे समय को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है आपका क्वेश्चन, यहां देख लीजिए कह रहा है कि दो इंजनों के एक दूसरे के पार करने पर, ध्यान दीजिए बच्चे, दो इंजनों के एक दूसरे के पार करने की स्थिति में प्रेक्षक को प्रतीत होगा क्या। देखिए अब देखिए कोई बोलता हुआ आपके तरफ आ गया, कोई बोलता हुआ आपके तरफ आ गया, तो जैसे ही बोलता हुआ आएगा तो स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति में कमी आती है, स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति में कमी आएगी तो ध्वनि की आवृत्ति बढ़ेगी। फिर देखिए आपके पापा मान लीजिए रोड पर खड़े हैं, आपका आप उस पापा का इंतजार कर रहे हैं कि पापा गाड़ी से आएंगे, जैसे जैसे पापा की गाड़ी आपके तरफ बढ़ेगी तो गाड़ी की रोशनी का फोकस जो बढ़ने लगेगा, गाड़ी का जो आवृत्ति है, जो प्रकाश की जो आवृत्ति है, गाड़ी के हेडलाइट से निकलने वाले प्रकाश की आवृत्ति, वो बढ़ती हुई आपको प्रतीत होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जब भी स्रोत और श्रोता एक दूसरे के निकट आता है, जब भी स्रोत और श्रोता एक दूसरे के निकट आता है तो ध्वनि या प्रकाश की आवृत्ति में वृद्धि होती है, और जब भी दूर जाएगा आपको स्रोत और श्रोता एक दूसरे से तो क्या होगा कि ध्वनि या प्रकाश की आवृत्ति में कमी होगी। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोलेंगे, डॉपलर इफेक्ट। तो क्या बता रहा हूं मैं कि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति के कारण ध्वनि या प्रकाश की आवृत्ति में कमी या वृद्धि होती है, और इसी घटना को हम क्या कहेंगे, डॉपलर प्रभाव कहेंगे।
फिर से समझ लीजिए, व्हेन व्हेन द रिलेटिव मोशन बिटवीन, ठीक है, सोर्स एंड ऑब्जर्वर, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, दिस फेनोमेनन इज नोन एज, आपको क्या कहलाएगा, डॉपलर इफेक्ट कहलाएगा। तो देखिए बच्चे क्या हो रहा है कि दो इंजनों के एक दूसरे के पार करने की स्थिति में, दो इंजन है एक दूसरे को पार कर रहा है, तो पार करेगा तो छोड़ के जाएगा एक दूसरे से, तो तारत्व में क्या होगी, कमी आएगी, तारत्व में क्या होगी, कमी आएगी। तारत्व को ही हम पिच कहते हैं, क्या कहते हैं, पिच कहते हैं, और पिच जो है समानुपाती किसके होता है, फ्रीक्वेंसी के यानी आवृत्ति के होता है। जरा इस पर थोड़ा सा और डिस्कस कीजिए, पिच पिच क्या होगा, अब मान लीजिए मैं बोल रहा हूं और आपके कान के पास मच्छर बोल रहा है, तो देखिए मेरी बात समझिएगा, मच्छर के ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी, अधिक होगी, और तारत्व क्या होगा, अधिक होगा, ध्वनि पतला होगा। जिस भी ध्वनि, फिर से सुन रहे हैं, जिस भी ध्वनि का तारत्व कम होगा वह मोटी ध्वनि होगी, उसकी आवृत्ति कम होगी। जिस भी ध्वनि का तारत्व अधिक होगा यानी पिच अधिक होगा, आवृत्ति अधिक होगी, ध्वनि पतली होगी। तो मच्छर की ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी, आपको अधिक होती है, पिच अधिक होती है, ध्वनि पतली होगी, थीन होगा ध्वनि। ध्वनि कैसा होगा, थीन। आपको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि पिच इंक्रीजेस, पिच इंक्रीजेस, पिच इंक्रीजेस, ध्वनि बिकम्स थीन, आपको ध्वनि पतला हो जाएगा। जैसे मच्छर की ध्वनि, स्त्रियों की ध्वनि, बच्चों की ध्वनि, चिड़ियों की ध्वनि, लेकिन यहीं पर बात कर ले मर्द की ध्वनि, मर्द की ध्वनि अगर हम बात कर लें, शेर की ध्वनि, शेर का जो गर्जन होता है वो क्या होगा, उसकी आवृत्ति कम होगी, पीच कम होगा और ध्वनि मोटा होगा, कैसा होगा, मोटा होगा। तो इसको मैंने इससे भी रिलेट कर दिया। और अनुनाद, मैं बार बार बता रहा हूं अनुनाद, ये रेजोनेंस है, यदि ठीक है, यदि किसी स्रोत की आवृत्ति, आपको स्रोत ध्वनि की आवृत्ति आपको प्रबलित कंपन के कारण उत्पन्न आवृत्ति के बराबर हो गया, तो इस घटना को क्या बोलेंगे, अनुनाद बोलेंगे या रेजोनेंस बोलेंगे। तो यहां देखिए मैंने क्या किया है कि ये एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस ये भैया के पास में जा रहा है, तो इसको हाई फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगा, इस भैया से दूर भाग रहा है तो इसको क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। तो इसी प्रभाव को क्या कहा जाता है, तो डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। बच्चे इसको क्या बोलेंगे, डॉपलर इफेक्ट बोलेंगे, यानी द रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर आइदर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, देयर बिकम्स इफेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, दैट फेनोमेनन इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉपलर इफेक्ट। चलिए तो ये बातें समझ में आ गई होंगी, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। दो इंजनों के एक दूसरे के पार करने की स्थिति में प्रेक्षक के तारत्व में कमी का अनुभव होता है, स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति के कारण ध्वनि की आवृत्ति में वृद्धि या कमी होती है, इसी घटना को हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। सीटी बजाती हुई ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करती है तो ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती है, तथा दूर जाती है तो ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी, घटती हुई प्रतीत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 15 डिग्री सेल्सियस पर दिए हुए गैस का प्रेशर पी है, यदि आयतन स्थिर रखा जाए तो प्रेशर 3p करने के लिए तापमान कितना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भी बराबर नियत, भी बराबर क्या हुआ, नियत हो गया। तो पी क्या होगा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, इसको बोलते हैं गे-लुज़ैक का नियम। किसका नियम, गे-लुज़ैक्स लॉ, याद रखिएगा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो, अगर आयतन नियत हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं गे-लुज़ैक का नियम। अब यहां से देखिए, P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2 आ जाएगा, P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2 आ जाएगा। अब भैया क्या होगा, आपको पता है T1 का वैल्यू दिया हुआ 15 डिग्री सेल्सियस, तो 15 प्लस कर दीजिए कितना, तो 15 प्लस कर दीजिए 273, क्योंकि केल्विन में बदलना पड़ता है, तो 288 केल्विन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए P1 बराबर मान लीजिए P और P2 बराबर दिया हुआ है 3p हो जाता है, कितना होगा 3p हो जाता है। तो भैया निकाल लेते हैं, अब देखिए क्या होगा, आपको निकालना है क्या, T2 निकालना है, T2 बराबर इसको इधर कीजिए इसको इधर, P2 into T1 बटे P1, भैया ये देखिए क्या होगा, तो T3p गुना, ठीक है, T1 का वैल्यू 288 बटे P, काट दीजिए ये निकल गया, आपको क्या निकल गया 841, कितना निकल गया 841। देख लीजिए 8 × 24 का 4, हाथ में 2, 8 × 24 का 4 हाथ में कितना बचा, 2 बचा, 8 × 24 2 26 का 6 हाथ में कितना बचा,
ठीक है, दो तीन दुनी छह दो आठ, इससे 273 घटा दीजिए तो निकल जाएगा 591 डिग्री सेल्सियस। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है 591 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इधर मैंने क्या क्यों जगह छोड़ के रखा है, क्योंकि अभी हमको तीन लॉ आपको बताना है। पहला नियम, ठीक है, ये बॉयल्स का लॉ है। किसका लॉ है? बॉयल्स का लॉ है, बॉयल्स लॉ है, जो बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यदि, ठीक है, यदि तापमान को नियत कर लिया जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया जाए तो क्या होगा, वॉल्यूम, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया प्रेशर के। दूसरा देखिए चार्ल्स का नियम है, यदि चार्ल्स का नियम है, चार्ल्स का नियम क्या कहता भैया, चार्ल्स का नियम कहता है कि यदि, ठीक है, हम दाब को नियत रख लें, ठीक है, आपको पी कांस्टेंट रख दें, दाब को नियत रख दें, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, परम ताप का समानुपाती होगा। तीसरा देखिए एवोगाड्रो का नियम, किसका नियम, एवोगाड्रो का नियम, यह क्या कह रहा है, एवोगाड्रो का नियम, देखिए यह क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है एवोगाड्रो नियम कि भैया भी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एन होगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा। यानी यहां पर देख लीजिए आपको हम क्या करते हैं, प्रेशर भी टेम्परेचर भी कांस्टेंट रख देते हैं। तो क्या कह रहे हैं, पहला नियम बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाय प्रेशर यदि तापमान नियत हो। चार्ल्स का नियम, ये देखिए अगर दाब नियत हो तो आयतन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो ठीक है आपको तापमान का प्रोपोर्शनल होगा, परम ताप का समानुपाती होगा। एवोगाड्रो का नियम यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखना है कि बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और एवोगाड्रो का हाइपोथेसिस तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, भी प्रोपोर्शनल टू वन बाय पी, भी प्रोपोर्शनल टू टी और भी प्रोपोर्शनल टू एन। यानी आपको मैं डिफाइन भी करके बता रहा हूं कि यदि यदि तापमान को नियत रखा जाए तो किसी गैस का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है कि यदि यदि आपको दाब को नियत रखा दिया रख दिया जाए तो किसी गैस का आयतन उसके परम ताप का समानुपाती होता है। फिर देखिए तीसरा नियम, देखिए समान ताप एवं दाब पर किसी गैस के समान आयतन में अणुओं या परमाणुओं की संख्या नियत होती है और यह एवोगाड्रो का हाइपोथेसिस है। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, भी प्रोपोर्शनल टू वन बाय पी, भी प्रोपोर्शनल टू टी, भी प्रोपोर्शनल टू एन। तो ये तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्या है, रूल्स है या लॉज है। चलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो वही मैंने कैलकुलेट किया है, ज्यादा इस पर समय नहीं बिताएंगे। एक पिंड को ऋण आवेशित किया जाए, भाई साहब क्या कर रहे हैं कि ऋण आवेशित कर रहे हैं। तो ये देखिए परमाणु है, क्या है परमाणु, तो परमाणु मैंने कई बार आपको डिस्कस किया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसके कारण परमाणु उदासीन होगा। परमाणु क्या होगा, उदासीन होता है, कैसा हो जाता है, उदासीन हो जाता है। ध्यान में रखिएगा कि परमाणु के उदासीन होने का मुख्य कारण यह है कि परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉन कुल प्रोटॉन के बराबर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए कोई तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो गई तो वह ऋणात्मक हो जाता है, ऋणात्मक आयन बनाता है, और अगर उसने कोई इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसमें प्रोटॉन की संख्या अधिक हो गई इसलिए वह धनात्मक हो जाता है। तो क्या मैं बता रहा हूं कि परमाणु परमाणु इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो यह धनात्मक आयन बना लेगा, कौन सा आयन, धनात्मक आयन बना लेगा, और परमाणु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इसने क्या कर लिया, आपको ऋणात्मक आयन का निर्माण कर लिया, कौन सा आयन, तो ऋणात्मक आयन का निर्माण कर लिया। तो एकदम याद रखिएगा। अब देखिए यह क्या है, धनात्मक आवेश है, तो धनात्मक आवेश में ठीक हमेशा, कल भी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो है यह बाहर की ओर निकलता है, जबकि ऋणात्मक आवेश में आपको क्या होगा, अंदर की ओर प्रवेश करता, किधर की ओर प्रवेश करेगा, अंदर की ओर प्रवेश करेगा। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, एक पिंड को ऋण आवेशित किया जाता है, इसका मतलब इसको अधिकता में इलेक्ट्रॉन देकर, इसको अधिकता में इलेक्ट्रॉन देकर अगर हम इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा, और प्रोटॉन कभी नहीं दिया जाता है, प्रोटॉन का दान या ग्रहण नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन जो है वह नाभिक में स्थित होता है, कहां स्थित होता है, नाभिक में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों नाभिक में स्थित होता है, इलेक्ट्रॉन वाह कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। तो बच्चे ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, एक पिंड को ऋणावेशित किया जा सकता है, इसको अधिकता में इलेक्ट्रॉन देकर, यदि किसी तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाता है तो वह धनात्मक आयन, तथा उसे ठीक है इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो वह ऋणात्मक आयन का निर्माण करता है, परमाणु उदासीन होता है। तो ये बातें याद रखिएगा। अब देखिए
लवन बिलियन का पीओएच, लवन बिलियन का पीओएच कितना है भाई? तो लवन बिलियन का पीओएच 6 है। कितना है? 6 है। देख लीजिए जरा ध्यान से, क्या है? तो 6 है भैया। ये क्या हो गया? 6 है। ध्यान दीजिएगा जरा, लवन बिलियन का पीओएच 6 है, उसका पीएच होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कि पीएच, और यहीं पर देख लेते हैं, ये 7 हो गया, 7 मतलब पीएच, और 7 से ऊपर यानी पीओएच, और दोनों का ये देखिए एच प्लस आयन है और ये क्या है? ओएच माइनस आयन है। तो दोनों का योगफल कितना होगा? तो 7 और 7 14 होगा। तो पीएच प्लस पीओएच मिलकर के ये देखिए क्या बनाया, ये बनाया 14। और पीएच का मान कितना दिया हुआ भाई जी? पीएच का मान दिया हुआ है, निकालना है आपको, पीओएच दिया हुआ है, तो पीएच निकालिए। पीएच प्लस ये हो गया 6 बराबर 14, तो दिस इंप्लाय पीएच निकल गया, 14 में से 6 को घटा दीजिए यानी 8 निकल गया। कितना निकल गया? 8 निकल गया। कुछ है? कुछ भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब मेरी बात को समझिएगा, पीएच का मतलब क्या होता है? तो पीएच का मतलब होता है निगेटिव लॉगरिथम ऑफ, ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ बेस 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, ऋणात्मक, ऋणात्मक 10 आधारीय, ठीक है, ऋणात्मक 10 आधारीय आपको हाइड्रोजन आयन सांद्रण को हम पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रण को क्या कहेंगे? पीएच कहा जाता है। एकदम ध्यान में रखिएगा कि ऋणात्मक 10 आधारीय हाइड्रोजन आयन सांद्रण को क्या कहा जाता है? पीएच कहा जाता है। और पीएच का जो, ठीक है, मेजरमेंट होता है, उसके लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। और पीएच स्केल सबसे पहले सोरेनसन ने दिया था। किसने दिया? सोरेनसन ने दिया था, ध्यान में रखिएगा। और पीएच का मतलब क्या होता है? तो पीएच का मतलब होता है बच्चे, क्या होगा पीएच का मतलब? पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, या आपको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है। और कैसे इसको डिफाइन करते हैं, यह भी मैंने आपको बता दिया। और देखिए यहां पर जितना कम पीएच होगा, उतना ही यह क्या होगा? अम्लीय होता जाएगा, यानी 0 सबसे अधिक अम्लीय, और यह देखिए 4 तक प्रबल अम्लीय, और इसके बाद क्या होगा? निर्बल अम्लीय। अब देखिए 7 से ऊपर बढ़िए तो 10 तक क्या होगा? निर्बल क्षारीय, और 10 से ऊपर क्या होगा? प्रबल क्षारीय होता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान बहुत बहुत कम होता है, यानी 0 और 1 के बीच होगा। और विनेगर देखिए, विनेगर मतलब आपको इथेनोइक एसिड जो होता है, एसिटिक एसिड बोलिए, इसका पीएच मान जो होता है वो क्या होगा? आपको 3 यानी 2.8 के आसपास होता है। वर्षा जल का पीएच मान आपको मैंने बताया था कि रेन वाटर अगर है, आपको अम्लीय वर्षा जल है, तो 5.6 होगा इसका पीएच मान, ठीक है। ह्यूमन ब्लड है तो इसका पीएच मान 7.4 होगा। फिर देखिए आपको टूथपेस्ट है तो 10.5 8 के पास होगा, 8 के पास होगा टूथपेस्ट। और इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 के बराबर होगा। तो ये बच्चे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पीएच, और इस पर प्रश्न रहने की संभावना प्रबल है, इसलिए खूब अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए, क्योंकि पीएच जो है पोटेंट फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या निगेटिव लॉगरिथम ऑफ, ठीक है, बेस 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को ही हम क्या कहेंगे? आपको पीएच कहा जाता है। चलिए तो इसको देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डिस्कशन में भाग लेना। मैं बार बार बता रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है वो एकदम डिफरेंट रूप से प्रस्तुत किया गया है, जो आपको सफलता दिलाने में, आपको ऊंचाइयों में पर पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसलिए एकदम ध्यान में रखिएगा। आप जरा देखिए मैंने यहां क्या किया कि पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, तो पीएच प्लस 6 बराबर 14, तो पीएच का मान निकाल लिया मैंने। किसी विलयन का पीएच उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण की शक्ति होती है, और को लिख भी दिया है। और पीएच स्केल कहां से कहां तक? तो 0 से 14 तक। बार बार क्वेश्चन पूछता है 0 से 7 पीएच अम्लीय होगा, 7 से 14 पीएच क्षारीय होगा, और मतलब विलयन क्षारीय होगा, और 7 अगर है तो ये उदासीन विलयन हो जाएगा। कौन सा विलयन होगा? उदासीन विलयन हो जाता है, तो एकदम याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, हम लोग काम कर रहे हैं चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण क्या होता है। चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर यह नति कोण क्या है, एंगल ऑफ डीप है, एंगल ऑफ क्या है? डीप है, ध्यान दीजिएगा, एंगल ऑफ डीप है। अब इसका मान कितना होता है, पहले तो ये जान लीजिए कि एंगल ऑफ डीप है क्या। तो
पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा ये क्या है, ये पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र, एकदम याद रखिएगा पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र, कुल मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए इसका दो कंपोनेंट तोड़ दिए, एक तोड़ दिए कि वर्टिकल और दूसरा तोड़ दिए क्या हॉरिजॉन्टल तोड़ दिए, देखिए हॉरिजॉन्टल तोड़ दिए, तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये कौन सा है हॉरिजॉन्टल है। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात को कि चुंबक मतलब पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक से, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कुल चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के साथ जितना कोण बनाती है उसे ही एंगल ऑफ डीप कहा जाता है, उसे ही क्या बोलेंगे एंगल ऑफ डीप कहा जाता है। फिर से सुनिए मैं क्या बता रहा हूं कि पृथ्वी का क्या कुल चुंबकीय क्षेत्र, कुल ठीक है मैग्नेटिक फील्ड, द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, कुल पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र ठीक है बीएच के साथ, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ बीएच के साथ ठीक है जितना कोण बनाती है उसे ही हम क्या कहेंगे एंगल ऑफ डीप, कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं एंगल ऑफ डीप कहते हैं उसे, ठीक है आपको नति कोण या नमन कोण कहते हैं, नति कोण या नमन कोण कहते हैं, ध्यान रखिएगा नति कोण कहते हैं या नमन कोण कहते हैं। तो एकदम याद रखिएगा कि पृथ्वी के ध्रुवों पर चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान 90 डिग्री, जबकि विषुवत रेखा पर एकदम याद रखिएगा नति कोण यानी एंगल ऑफ डीप यानी थीटा का मान कहां पर, थीटा का मान कहां पर इक्वेटर पर कितना होगा 0 डिग्री, थीटा का मान कहां पर पोल पर कितना होगा तो 90 डिग्री होगा, कितना होगा भाई 90 डिग्री होगा, याद रखिएगा कहां पर तो ध्रुव पर 90 डिग्री, जबकि विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होगा। फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं कि पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के साथ जितना कोण बनाती है उसे ही क्या कहेंगे आपको नमन कोण या नति कोण कहेंगे। फिर से सुनिए द एंगल बिटवीन द टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड ठीक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज, क्या बोलेंगे एंगल ऑफ डीप कहेंगे, याद रखिएगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक मेरिडियन ठीक है पृथ्वी का चुंबकीय यामयोत्तर और पृथ्वी के ठीक है भौगोलिक यामयोत्तर के बीच जो कोण बनेगा उसे हम क्या कहते हैं भैया, उसे हम दिक्पात कोण कहते हैं, कौन सा कोण कहेंगे दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहेंगे, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहेंगे। फिर से सुनिए पृथ्वी का चुंबकीय यामयोत्तर और पृथ्वी का भौगोलिक यामयोत्तर के बीच जो कोण बनता है उसे हम ठीक है क्या कहते हैं, तो याद रखिए एंगल ऑफ डिक्लिनेशन यानी दिक्पात कोण कहेंगे, यानी द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ठीक है ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहलाएगा। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखना है, तो विषुवत रेखा पर कितना डिग्री हो जाएगा आपको 0 डिग्री होगा, इसमें है नहीं 0 डिग्री, जबकि आपको ध्रुवों पर क्या होगा 90 डिग्री होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका, यहां देखिए वही बात मैंने किया है चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान 90 डिग्री होता है, पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के साथ जितना कोण बनाती है उसे नति कोण कहा जाता है। ये देखिए दो कंपोनेंट है, ये कुल चुंबकीय क्षेत्र है और ठीक है ये देखिए क्या हो गया कुल चुंबकीय क्षेत्र है और यहां देख लीजिए क्या हो गया पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र है और ये दो कंपोनेंट है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल के साथ जितना कोण बनाएगा उसे ही क्या कहते हैं नति कोण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विटेकर द्वारा प्रोकैरियोट्स जीव को किस संघ में रखा गया था, तो एकदम ध्यान में रखिएगा जरा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीव को, प्रोकैरियोट मतलब क्या होगा कि जिसमें नाभिक जो है वह आपको अस्थाई नहीं होगा ठीक है, निश्चित स्ट्रक्चर नहीं होगा, ऐसे जीवों को हम प्रोकैरियोट कहते हैं। आप देखिए आपको सबसे पहले यह जान लेना चाहिए कि विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिया था, यानी पांच जीवों का वर्गीकरण किया था, यानी इन्होंने 5 ठीक है किंगडम सिस्टम किसने दिया था, तो 5 जीवों का जो वर्गीकरण किया था किसने किया था विटेकर ने किया था। यहां आप देख लीजिए कि इन्होंने पहला जो ठीक है किंगडम रखा वह मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, पहला क्या आपको मोनेरा, दूसरा क्या प्रोटिस्टा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर बच्चे, पहला क्या कि मोनेरा, दूसरा क्या आपको ठीक है पहला क्या मोनेरा, दूसरा क्या प्रोटिस्टा,
तीसरा किंगडम देखिए कहां पर है, तो प्लांटी है। क्या है? प्लांटी है। पहला आपको मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा और तीसरा क्या हो गया आपको पादप, चौथा फंगी। याद देखिए सबके पीछे हम लोग जानेंगे, ये प्लांटी हो गया यानी पादप और ये हो गया पांचवा कौन, एनिवेलिया। तो कैसे याद रखिएगा, पांच जगत याद रखिए। विटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा संघ में रखा गया है, कोई बात नहीं है, क्लियर हो गया होगा। विटेकर ने ठीक है पांच जगत प्रणाली प्रस्तावित की और ये कब प्रस्तावित किया, तो 1969 में। और इनके अनुसार पांच जो जगत था वो कौन था, मोनेरा, मोनेरा प्रोटिस्टा, मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांटी, उसके बाद आइए फंगी और एनिमेलिया। तो कैसे याद रखिएगा, इसको याद रखने का तरीका देखिए, एम ठीक है, एम पी यानी ठीक है मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट एम पी, उसके बाद देखिए आ जाइए एम ठीक है मोनेरा प्रोटिस्टा एम पी, उसके बाद पी पी ठीक है पी एफ पी एफ, उसके बाद आ जाइए पी एफ ए एम पी पी एफ ए एम पी पी एफ ए एम पी पी एफ ए, मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांटी फंगी किंगडम, मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांटी फंगी किंगडम। और यहां देख लीजिए सबके बारे में मैंने बताया था कि किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोट्स, और जैसे ही ऊपर आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में क्या होगा, यूकैरियोट्स होगा और यहां यूनिसेल्यूलर होगा। अब देखिए जैसे ही ठीक है आपको बढ़ रहे हैं, ये देखिए यहां पर कौन कौन, ये यूनिसेल्यूलर में ही आएगा किंगडम प्रोटिस्टा। अब देखिए किंगडम एनिमेलिया फंगी और प्लांटी ये सभी मल्टी सेलुलर एनिमल होंगे, कौन सा होंगे, मल्टी सेलुलर। तो याद रखिए मोनेरा जो है, मोनेरा जो है उसमें प्रोकैरियोट्स आएगा यानी डेफिनेट स्ट्रक्चर वाले इसमें नाभिक नहीं पाए जाएंगे। प्रोटिस्टा जो है ध्यान में रखिएगा यूकैरियोट्स होंगे और प्लांटी फंगी और एनिमेलिया ये तीनों जो होगा मल्टी सेलुलर होगा। और देखिए ठीक है जितने भी कवक होते हैं सभी डिकम्पोजर होते हैं, जितने भी आपको क्या होंगे ठीक है आपका प्लांटी होगा वो सभी प्रोड्यूसर होगा यानी उत्पादक होगा। ये देखिए अपघटक होगा, क्या होगा अपघटक होता है। और यहां देखिए एनिमेलिया ये क्या होगा कंज्यूमर होगा, क्या होगा कंज्यूमर होगा। तो बच्चे एकदम ध्यान रखिएगा एम पी पी एफ ए एम पी पी एफ ए, मोनेरा प्रोटिस्टा मोनेरा प्रोटिस्टा, फिर क्या आएंगे प्लांटी फंगी एनिमेलिया, प्लांटी फंगी एनिमेलिया। और फंगी जो है यानी कवक जो है वो अपघटक है, प्लांटी जो है याद रखिए ये प्रोड्यूसर है और एनिमेलिया यानी हम लोग क्या है आपको उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा कि प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स होंगे जबकि मोनेरा प्रोकैरियोट्स होंगे। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, प्रोकैरियोट जीव को किस संघ में रखा गया है, तो मोनेरा संघ में, किस संघ में, मोनेरा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपको। तो विटेकर द्वारा प्रोकैरियोट्स जीवों को मोनेरा संघ में रखा गया था और यह वर्गीकरण पांच जगत प्रणाली है, तो फाइव एनिमल किंगडम ठीक है इसको प्रस्तावित किया गया था। यह पांच जगत मैंने आपको क्लियर कर दिया है। चलिए देखते हैं वायुमंडल के उच्च स्तरों पर ठीक है मौजूद ओजोन का उत्पाद क्या होता है, बच्चे मौजूद ओजोन का उत्पाद क्या होता है। तो एकदम क्लियर है आपका कंसेप्ट, क्या कह रहा है कि वायुमंडल के उच्च स्तरों पर मौजूद, अब देखिए जैसे ही ठीक आपको समताप मंडल के ऊपरी परत पर ऑक्सीजन को परावैगनी किरण मिलता है तो यह क्या होगा आपको नवजात ऑक्सीजन दे देता है, और यह नवजात ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो यह दे देगा ओजोन मॉलिक्यूल। यानी आपको वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन किससे बनता है, तो ऑक्सीजन से, किससे बनेगा ऑक्सीजन से। एकदम ध्यान में रखिएगा कि वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर जैसे ही परावैगनी किरण ऑक्सीजन पर पड़ता है तो ऑक्सीजन दो भागों में टूट जाएगा और यह ऑक्सीजन अणु नवजात ऑक्सीजन यानी नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और यह नेसेंट ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से ठीक है टकराएगा या उससे अभिक्रिया करेगा तो ओजोन का अणु का निर्माण कर लेता है। तो ध्यान में रखिएगा बच्चे, ये देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, सूरज की ऊर्जा आ रही है तो ये दो भाग में टूट गया यानी ये नेसेंट ऑक्सीजन का निर्माण कर रहा है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन देखिए कि ऑक्सीजन से मिलकर के ओजोन मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। और ओजोन परत जो है याद रखना है कि सूर्य से आने वाले परावैगनी किरणों को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, पृथ्वी पर नहीं आने देता है। मैं बार बार बता रहा हूं कि परावैगनी किरण जो है वो तीन प्रकार का होता है, यूवीए यूवीबी यूवीसी, यूवीए यूवीबी यूवीसी यानी ए बी सी, यूवी लगा दीजिए आगे,
भाई, यूवी किरण का खोज किया था रिटर ने, किसने किया था रिटर ने, विलियम रिटर ने किया था, और यूवी एबीसी ए को जो है वह आपको क्या कोण अवशोषित कर लेता है, तो ए को अवशोषित कोई परावैगी किरण को यूवी ए को अवशोषित नहीं कर पाता है बच्चे, नहीं कर पाएगा, कौन आपका ओजोन परत, केवल किसको अवशोषित पूर्णता करता है, तो यूवी सी को करता है। और ये देखिए ये यूवी ए जो है जब आपके पर्यावरण में आता है, वायुमंडल में आता है, तो इसका मुख्य कार्य होता है जितने भी बैक्टीरिया वायरस है सबको मार देना। याद रखना है आपको कि यूवी ए आपके लिए बहुत बहुत आवश्यक है। चलिए तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि ऑक्सीजन पर परावैगनी विकिरण के प्रभाव से किसका निर्माण होगा, तो ओजोन का निर्माण होगा। और मैंने पूरा क्लियर कर दिया है कि ओजोन परत समताप मंडल में, ओजोन परत 25 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। ओजोन परत की खोज किसने की, तो चार्ल्स फेब्री और हेनरी ब्यूशन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखना है आपको, आगे बढ़ते हैं, याद रखिए वही बात मैंने यहां बताया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन। एक बल का परिमाण क्या है, 10 न्यूटन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बल का परिमाण क्या है, 10 न्यूटन है, यानी बल एफ बराबर 10 न्यूटन है। और यह एक पिंड पर कार्य करता है जिसका एक भाग बद्ध है, यानी एक बद्ध है भाई, ये बद्ध है कितने दूरी पर, तो 4 मीटर की दूरी पर। और याद रखिएगा कि इस पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो टॉर्क टो बराबर क्या होता है, तो बल बल बाहु यानी अक्ष से दूरी गुना बल का गुणनफल, यानी बल बाहु गुना बल हो जाएगा, बल बाहु गुना बल यानी अक्ष से दूरी गुना बल का गुणनफल क्या कहलाएगा, तो बलाघूर्ण कहलाएगा, यानी ये क्या हो गया, टो हो गया, टो बराबर आर क्रॉस एफ। अब देखिए आर का मान कितना होता है भैया, 4 है, और एफ का मान कितना होता है, तो 10 है, 10 चौके कितना हो गया, 40 न्यूटन मीटर हो गया, 40 न्यूटन मीटर हो गया। तो भैया ये हो गया 40 न्यूटन मीटर, तो पहले तो इसका आंसर मार दीजिए। अब देखिए बल आघूर्ण के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, यानी टॉर्क के विषय में बात कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारा उदाहरण आप जानते होंगे, ये देखिए घूम रहा है किसके कारण, टॉर्क के कारण, बाह का घूमना, फिर हाथ का घूमना किसके कारण, टॉर्क के कारण, दरवाजा खोल रहे हैं कब्जा के आगे पीछे, ठीक है, किसका उदाहरण, तो याद रखिए ये किसका उदाहरण हो गया, बलाघूर्ण का उदाहरण हो गया। और या आपको एकदम ध्यान में रखना है ये सब किसके उदाहरण हो गए, बलाघूर्ण के उदाहरण हो गए। खिड़की, खिड़की आप खोलते हैं क्या हो गया, किसका उदाहरण, तो बलाघूर्ण का उदाहरण हो गया। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा, आप देखिए टॉर्क कौन सी राशि है, तो ये सदिश राशि है, कौन सी राशि है, सदिश राशि है, और इसका मात्रक क्या हुआ, न्यूटन इनटू मीटर हो गया, इसका बीमा क्या हो गया, एमएल स्क्वायर टी माइनस टू होगा। याद रखिएगा ये इसकी बीमा ऊर्जा के बीमा के क्या होगा, बराबर होता है। तो बल और बल बाहु, बल बाहु और बल का गुणनफल आपको बलाघूर्ण होगा, यानी इफ द बॉडी मूव्स अलोंग एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन देन द डायरेक्शन देन द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट गिव्स, आपको क्या देगा, टॉर्क का मान देगा, यानी ठीक है आपको अक्ष से दूरी और बल का गुणनफल किसका मान देता है, बलाघूर्ण का मान देता है बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, ये भी क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, वह माध्यम जिसमें लार का टाइलिन सक्रिय होता है, लार भैया बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो लार का पीएच मान आपको पता होगा कि 6 से 7 के बीच में होता है, 6 से 7 के बीच में होता है। जब भी पीएच मान, जब भी पीएच मान याद रखिएगा 6 से 7 के बीच में हो, तो आपको माध्यम कैसा होगा, तो माध्यम हो जाएगा हल्का अम्लीय, कैसा अम्लीय, हल्का अम्लीय भैया, कैसा अम्लीय, हल्का अम्लीय, तो देखिए हल्का अम्लीय कहां पर है, तो हल्का अम्लीय हो जाएगा। और यहां पर देखिए मैंने बहुत सारी बातें लिखी है कि फंक्शन ऑफ सलाइवा क्या है, कि आइडेंटिकल टू पैनक्रियाटिक एमाइलेज की तरह होगा, और यह क्या करेगा, तो यह स्टार्च, स्टार्च होता है, और यह सबसे अधिक अच्छे तरह से काम करेगा जब इसका पीएच मान ऑप्टिमम 7 होगा, यानी 6 और 7 के बीच में होगा। तो यह क्या करता है कि आपको स्टार्च को, स्टार्च को ठीक है तोड़ देता है, इसीलिए भाई स्टार्च को क्या करेगा, तोड़ देगा और इसको ग्लूकोज में बदल देगा। ध्यान में रखिएगा क्या मैं बता रहा हूं, कि एमाइलेज जो है वह हल्का क्षारीय माध्यम में प्रबल, हल्का अम्लीय माध्यम में प्रबल रूप से कार्य करता है, और यह ठीक स्टार्च को तोड़ देता है। यही कारण है कि जब हम सूखी रोटी खाते हैं तो हमको कैसा अनुभव होता है, मिठास का अनुभव होता है, वो किसकी वजह से, तो स्टार्च के टूटने की वजह से। अब देखिए थोड़ी सी बात समझिएगा, यहां देखिए यहां बातें समझिएगा, ये देखिए मैंने क्या किया है, कि टाइलिन, टाइलिन
ठीक है, टाइन मंड को सरकरा में बदलकर बदल देता है, इसे सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि किसको तोड़ रहा है, मंड यानी स्टार्च को, किस में बदल दे रहा है भाई जी, ये बदल दे रहा है आपको, किस में बदल देता है, सुगर में यानी सरकरा में बदल देता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं, किसको, टाइलिन को। अब देखिए लार में, लार में पॉली सेक्रिडेज, यहां देखिए पॉली सेक्रिडेज एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति को क्या करेगा, घोल देगा और बैक्टीरिया बेचारा मर जाता है। तो लार में क्या होगा, ये देखिए पॉली सेक्रिडेज, कौन सा, पॉली सेक्रिडेज नामक एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति होता है उसको घोल देता है और बैक्टीरिया समाप्त हो गया। यानी लार आपको इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह जो है बैक्टीरिया को मारने का भी कार्य करता है, क्योंकि इसमें पॉली सेक्रिडेज नामक एंजाइम होता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। यहां देखिए हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था, तो हैक जो प्रोग्रामिंग भाषा है इसका विकास किया था फेसबुक ने, किसने किया था, फेसबुक नामक कंपनी ने इसका विकास किया था। ध्यान में रखिएगा फेसबुक मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक मार्क जुकरबर्ग। अब देखिए एप्पल स्टीव जॉब्स, ये मर गए बेचारे, ठीक है, गूगल गूगल, ठीक है, और ये गूगल जो है लैरी पेज, और लैरी पेज ने इसका किया था निर्माण जी, और माइक्रोसॉफ्ट आपको पता है बिल गेट्स, कौन जी, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट क्या हो गया, बिल गेट्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट क्या हो गया, बिल गेट्स हो गया। ध्यान में रखिएगा कि ये जो हैक प्रोग्रामिंग भाषा है ये हिप हॉप नामक आपको, ठीक है, हिप हॉप नामक, ध्यान दीजिएगा, हिप हॉप नामक वर्चुअल मशीन को चलाने का कार्य करता है, उसी के लिए यह आपको हैक नामक भाषा को विकसित किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। और जरा देखिए इसको मैंने और भी विस्तृत किया है, क्या है कि हैक प्रोग्रामिंग भाषा फेसबुक ने विकसित किया था, यह हिप हॉप वर्चुअल मशीन के लिए विकसित भाषा है और इसे 2014 में विकसित किया गया था। और जरा मेरी बात को समझिएगा, गूगल का विकास 1998 में, लैरी पेज और सर्जरी बिन, लैरी पेज और सर्जरी बिन, एप्पल कंप्यूटर कंपनी 1976 में प्रारंभ किया गया, इसके फाउंडर स्टीव जॉब्स थे जो कुछ दिन पहले मर गए थे, आपको पता होगा कि हो गया टाइम, हो गया करीब 3-4 साल पहले ही इनका देहांत हो गया था। चलिए तो ध्यान में रखिएगा इसको। और एप्पल पता ही है आपको, कटा हुआ शेर सबको पसंद आता है क्योंकि, ठीक है, ये स्टेटस सिंबल है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, मस्तिष्क के सबसे बाहर का स्तर क्या कहलाता है, तो सबसे बाहर का स्तर क्या होगा भाई, ड्यूरा मेटर होगा। आपका जो मस्तिष्क है यानी ब्रेन है, ध्यान दीजिएगा, ब्रेन जो है, ठीक है, ब्रेन 1400 ग्राम का होता है, कितना ग्राम का, 1400 ग्राम का होता है। महिलाओं में ब्रेन का जो वेट होता है वो थोड़ा सा कम होता है पुरुषों की अपेक्षा। अब देखना है, मेरी बात को समझिएगा कि आपका जो ब्रेन है उसमें 3 प्रकार के मीटर पाए जाते हैं, कौन कौन पाया जाएगा, सबसे पहले मध्य परत पर क्या पाया जाएगा, तो मध्य परत पर एरेक्रॉइड, याद रखिएगा एरेक्रॉइड पाया जाता है, और सबसे अंदर जो है वह क्या पाया जाएगा, तो पायामीटर, ये देखिए पायामीटर है ना, एरेक्रॉइड, ये क्या हुआ, मध्य, एरेक्रॉइड क्या हो गया, मध्य आपको, और ये पायामीटर क्या हो गया, सबसे आंतरिक, आंतरिक हो गया, सबसे अंदर, सबसे अंदर कौन, सबसे अंदर हो गया पायामीटर। और ध्यान में रखिए कि ये जो पायामीटर है बच्चे, ये जो पायामीटर है वह ऑक्सीजन तथा भोज्य पदार्थ, ऑक्सीजन तथा भोज्य पदार्थ आपके ब्रेन को प्रोवाइड करता है, ब्रेन को ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन तथा खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ कौन प्रदान करता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या होगा, पायामीटर होगा, क्या होगा, पायामीटर। अब जरा देखिए ब्रेन का ये फ्रंटल लोब है, कौन सा लोब है, फ्रंटल लोब है, और यहां पर क्या होगा, थिंकिंग, मेमोरी, बिहेवियर, मूवमेंट सबको कंट्रोल करता है। टेम्पोरल लोब है, ये क्या करेगा, ये हर हियरिंग लर्निंग फीलिंग, हियरिंग लर्निंग फीलिंग। और देखिए ब्रेन स्ट्रीम, ब्रेन स्ट्रीम है, यहां वाला जो ब्रेन स्ट्रीम है सबसे पीछे वाला भाग, ब्रीथिंग, हार्ट रेट और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और सेरिबेलम, ये देखिए आप जो मूव कर रहे हैं अभी, देखिए हम ऐसे ऐसे लड़खड़ा रहे हैं भाई जी, ये किसके कारण, सेरिबेलम के कारण, अभी मैं एक बुद्धि विवेक से सोच करके आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये बुद्धिमत्ता का परिचय कौन देता है, तो सेरिब्रम देता है, यानी आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका विवेक सबको कंट्रोल कौन करता है, तो सेरिब्रम। लेकिन अगर कोई शराब पी लिया, दारू दे दिया, ठीक है, दबा करके दारू पी लिया भैया, तो दोनों गड़बड़ हो गया, सेरिब्रम सेरिब्रम दोनों, सेरिबेलम सेरिब्रम दोनों गड़बड़ हो गया। तो ध्यान में रखिएगा कि दारू पीने वाले व्यक्ति का अगर क्वेश्चन ऐसा
पूछता है कि दारू पीने वाले व्यक्ति का क्या क्या गड़बड़ हो जाएगा, तो सेरिबेलम और सेरिब्रम दोनों गड़बड़ हो जाता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, ऑप्टिकल लोब जो है आपको ठीक है देखने की क्षमता प्रदान करता है, पेरिफेरल लोब क्या करता है लैंग्वेज और टच को यह करेगा। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, फ्रंटल लोब थिंकिंग, टेम्पोरल लोब हियरिंग, ब्रेन स्टेम ब्रीथिंग, ठीक है ब्रेन स्टेम ब्रीथिंग, फिर देखिए सेरिबेलम बैलेंस, सेरिबेलम बैलेंस, और क्या होगा ऑप्टिकल लोब सीइंग, मतलब क्या हुआ साइट के लिए, और पेरिटल लोब, ये क्या हो जाएगा पेरिटल लोब लैंग्वेज। एकदम जो जो मैंने बताया है एकदम ध्यान में रखिएगा। और ब्रेन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, आंतरिक जो सबसे बाहर होगा उसको ड्यूरामेटर बोलेंगे, मध्य में जो होगा एरेकनॉइड बोलेंगे, और पायामेटर सबसे इंपॉर्टेंट आंतरिक भाग में होता है, और यह ठीक है भोजन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा ब्रेन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां देख लेते हैं क्या है, मस्तिष्क का सबसे बाहर का परत अस्तर ड्यूरामेटर है, इसके मध्य परत को एरेक्नॉइड तथा सबसे अंदर की परत को पायामेटर कहते हैं। पायामेटर ऑक्सीजन तथा भोज्य पदार्थ मस्तिष्क को पहुंचाता है, मस्तिष्क का औसतन भार 1400 ग्राम होता है। चलिए इंडोल एसिटिक एसिड, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोल एसिटिक एसिड, ध्यान दीजिएगा बच्चे इंडोल एसिटिक एसिड अम्ल क्या होता है, तो यह ऑक्सीन होता है, और यह खरपतवार नाशी भी होगा, क्या होगा खरपतवार नाशी भी होता है, और ध्यान में रखिएगा कि आप वृद्धि करता है, खरपतवार नाशी भी होगा और पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक भी होता है। पहली बार इसका जो आपको बाहर निकाला था, संश्लेषित किया था, उस वैज्ञानिक का नाम बेंट है, उन्होंने जई के पौधे से खरपतवार नाशी और पौधे में वृद्धि, वृद्धि नियंत्रक, यह वृद्धि नियंत्रक होता है, वृद्धि को क्या करेगा नियंत्रित करने का प्रयास करेगा। तो यह ऑक्सीन है इंडोल एसिटिक अम्ल, यह क्या है ऑक्सीन है। अब देखिए कवक का जो बाह्य आवरण होता है वह काइटीन का बना होता है, क्या होगा काइटीन का बना होता है, और कवक नाशक याद रखिएगा कॉपर सल्फेट को कहा जाता है, CuSO4 इंटू क्या कहेगा 5H2O को, CuSO4 इंटू 5H2O को, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रियोल, क्या कहते हैं ब्लू विट्रियोल कहा जाता है। एमिनो अम्ल यह प्रोटीन का बना होता है, एमिनो अम्ल यह किसका बना होगा प्रोटीन का बना होगा, और एंजाइम देखिए एंजाइम जो है एमिनो अम्ल से प्रोटीन बनता है, एंजाइम भी किसका बना होता है प्रोटीन का बना होता है। तो ऑक्सीजन जो है खरपतवार नाशी है तथा पौधे में वृद्धि का नियंत्रण करता है। जरा देखिए दो तीन बातें और देख लीजिए, इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सीजन है और ये प्लांट हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है प्लांट हार्मोन है, और ये प्लांट हार्मोन है, इसको फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, प्लांट हार्मोन, या इसको क्या बोलेंगे फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है बच्चे, क्या बोलेंगे फाइटो हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन फाइटो हार्मोन्स कहा जाता है किसको, तो एसिटिक बोलते हैं इंडोल एसिटिक एसिड को। इसकी खोज बेंट ने की थी, यह प्ररोह की कोशिकाओं में दीर्घीकरण को प्रेरित करता है और नियंत्रित भी करेगा, वृद्धि नियंत्रक भी होता है। ऑक्सीजन को पौधे से सर्वप्रथम इंडोल एसिटिक एसिड के रूप में अलग साल्को वस्की ने किया था, और यह क्वेश्चन पूछा हुआ है साल्को वस्की ने किया था, साल्को वस्की नामक वैज्ञानिक ने किया था कि ऑक्सीजन को पौधे से सर्वप्रथम इंडोल एसिटिक एसिड के रूप में अलग करने का प्रयास किया था, किसने तो साल्को वस्की ने, तो याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं तृतीय उपभोक्ता कौन है, भाई जी ये तृतीय उपभोक्ता इसमें क्या होगा, जो मांसाहारी होगा वो तृतीय उपभोक्ता, क्या हाथी खाती है खाता है मांस नहीं, शुतुरमुर्ग खाता है नहीं, गेंडा खाता है नहीं, कौन खाता है बाज खाता है, तो तृतीय उपभोक्ता होगा। जरा देखिए ये ठीक है, हमने एक आपको बायोमास पिरामिड लिया है, और यहां पर एक बातें याद रखना है आपको, बायोमास पिरामिड है तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होगा पौधे, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन पौधे, अब देखिए प्राइमरी कंज्यूमर कौन शाकाहारी, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन तो मांसाहारी, और दोनों खाएगा कौन थर्ड लेवल का कंज्यूमर खाएगा, और ये क्या है भाई डिकम्पोजर सबको क्या करता है कि अपघटित करने का प्रयास करता है। अब देखिए ये किसका नियम है तो लिंडमान का नियम, किसका नियम लिंडमान का नियम है, लिंडमान के नियम के अनुसार प्राइमरी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स अगर 100 जूल ऊर्जा उत्सर्जित कर 100 जूल ऊर्जा प्रोड्यूस करेगा तो उसका 10% ही प्राइमरी कंज्यूमर के पास आएगा, उसका 10% सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, उसका 10% ठीक है आपको थर्ड लेवल कंज्यूमर के पास, उसका 10% प्रेडेटर्स के पास आएगा। तो इस तरह से ये एनर्जी का प्रवाह होता है, और ये किसका नियम है तो लिंडमान का 10% लॉ है, लिंडमान का 10% नियम कहा जाता है इसको, किसका नियम बोलते हैं तो लिंडमान का 10% नियम कहा जाता है। तो उत्पादक को कहां रखेंगे तो उत्पादक को सबसे नीचे रखेंगे, उत्पादक को सबसे नीचे रखेंगे, आपका जो ठीक है आपका जो एनर्जी पिरामिड होता है उसमें सबसे नीचे किसको रखा जाता है तो प्रोड्यूसर्स को रखते हैं। चलिए याद रखिएगा इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि तृतीय उपभोक्ता बाघ है, शाकाहारी शाकाहारी
प्राथमिक स्तर के उपभोक्ता है, मांसाहारी जंतु द्वितीय तथा तृतीय स्तर के उपभोक्ता है, और जीवाणु तथा कवक अपघटक होते हैं। आपके जो वायुमंडल है, पर्यावरण है, उसमें सबसे बड़ा अपघटक कौन होगा? तो बार बार यह क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ा अपघटक कौन है, तो कौन है? तो कवक और बैक्टीरिया, जीवाणु और कवक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी देख रहे हैं हम लोग एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के ब्रह्मांड में अंतर का कारण क्या होता है। तो समस्थानिक जब भी बात कीजिए तो समान क्या होगा, तो तत्व समान होगा, परमाणु संख्या समान होगा, अलग क्या होगा, तो परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग होगा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें क्या होगा, भिन्न होगा। तो उनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या अलग होती, गलत बात है, प्रोटॉन की संख्या समान होगा, उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती, तो ये आपको सही हो गया। अब देखिए एक उदाहरण ले रहे हैं, यहां देखिए 1H1 ठीक है, 1H2 और 1S3, ये देखिए ये क्या है, आपको समस्थानिक है। तो तत्व क्या है, सब समान है, हाइड्रोजन है, पर आपको परमाणु संख्या सबका क्या है, समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या सबका क्या हो गया, भिन्न भिन्न हो गया। तो ऐसे तत्वों के परमाणु को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्या कहेंगे, समस्थानिक कहते हैं। तो समस्थानिक जब भी बात कीजिएगा तो समस्थानिक समान तत्वों के परमाणु है, जिसकी परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। ऐसे तत्वों के परमाणु को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। और सबसे अधिक समस्थानिकों का निर्माण कौन करेगा, तो सबसे अधिक समस्थानिकों का निर्माण करता है कौन, तो याद रखिए सबसे अधिक समस्थानिकों का निर्माण करता है पोलोन, ठीक है, पोलोनियम। कौन करेगा, पोलोनियम। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या लगभग 28 होती है, कितनी होती है, 28 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। याद रखिए एक तत्व के समस्थानिकों के अणुओं के द्रव्यमानों में अंतर का कारण उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या का होना है, और समस्थानिकों में समान क्या होगा, तो होना है, यहां देखिए ये होना है, याद रखना है। और समान होते हैं कौन कौन, परमाणु संख्या तथा तत्व, भिन्न भिन्न क्या होंगे, परमाणु द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या आपको भिन्न भिन्न होगी, ध्यान में रखिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। मात्र रासायनिक क्रिया से निर्माण किसका होता है, तो मात्र रासायनिक क्रिया से निर्माण होगा किसका, तो CFC का होगा, किसका होगा, CFC। और ये देखिए CFC को हम क्या बोलते हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहा जाता है, और ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है इसे हम फ्रियोन भी कहा जाता है, क्या कहेंगे, इसे हम फ्रियोन गैस भी कहते हैं। और याद रखना है कि इसका फॉर्मूला होता है CCl2F2, और इसका उपयोग हम लोग करते हैं किसमें, तो ठंडा उत्पन्न करने में, क्या उत्पन्न करने में, ठंडा उत्पन्न करने में। मिथेन को हम मार्स गैस कहते हैं, क्या कहेंगे, मार्स गैस कहते हैं, इसका फॉर्मूला CH4 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 कहते हैं, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है, और ये लाफिंग गैस होता है, कौन सा गैस होगा, लाफिंग गैस होता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखना है कि मात्र रासायनिक क्रिया से निर्माण किसका होगा, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। मात्र रासायनिक क्रिया से निर्माण CFC का होता है, CFC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन कहा जाता है, इसका व्यावसायिक नाम फ्रियोन होता है, इसका रासायनिक सूत्र CCl2F2 होता है, और ये देखिए मिथेन को हम मार्स गैस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतह से सतह पर, ध्यान दीजिएगा, सतह से सतह पर मार करने वाला भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सा है, तो भैया ये पृथ्वी है, क्योंकि मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि त्रिशूल जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, पृथ्वी आकाश जो है ये क्या है, आपको सरफेस टू एयर मिसाइल है, नाग जो है एंटी टैंक मिसाइल है, कौन सा है, एंटी टैंक मिसाइल है नाग, और याद रखिए एंटी टैंक मिसाइल है, ये भी सरफेस टू सरफेस है, लेकिन इसमें क्या होगा, सतह से सतह पर मार करने वाला भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सी है, तो पृथ्वी, यहां देखिए मैंने लिखा भी है पृथ्वी, सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, फिर देखिए आकाश मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल हो गया, और नाग हो गया थर्ड जनरेशन, इसको बोलते हैं दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर, बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कौन सा आधारित होता है, तो याद रखिएगा यह आधारित होता है नाग जी, दागो और भूल जाओ, इस सिद्धांत पर कौन आधारित होता है, तो नाग। त्रिशूल देखिए यह क्या होगा, शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल होता है, और अग्नि ये इंटरमीडिएट रेंज है सरफेस टू सरफेस मिसाइल, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बताता हूं कि भारत सरकार के IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इन मिसाइलों का निर्माण किया गया था, तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, कि सतह से सतह पर मार करने वाला भारतीय रक्षा मिसाइल पृथ्वी है, यह DRDO द्वारा IGMDP के तहत बनाया गया था, और पृथ्वी जो है पहली बार, याद रखिएगा, पहली बार 1988 में विकसित और 1994 में सेना में शामिल किया गया, और इसके तीन प्रारूप है, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए नैनो प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो नैनो प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था नोरियो तानागुची ने, नोरियो तानागुची ने किया था, ध्यान दीजिएगा जरा, और नोरियो तानागुची ने किया था वह प्रौद्योगिकी जिसमें भौतिकी के नियम का प्रयोग नहीं होता, भौतिकी का नियम फेल हो जाएगा जी, भौतिकी का नियम यानी फिजिक्स का लॉ जो है, भौतिकी का नियम फेल हो जाता है, ठीक है, आपको खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे तकनीक को हम लोग नैनो प्रौद्योगिकी कहते हैं जो 10^-9 मीटर के कणों के लिए लागू होता है। और ध्यान में रखिएगा कि आपको हेनरिक रोहरर को, हेनरिक रोहरर को आपको क्या कहा जाता है कि नैनो टेक्नोलॉजी का पिता कहा जाता है, हेनरिक रोहरर को क्या कहा जाएगा, नैनो टेक्नोलॉजी का फादर कहा जाता है, यानी फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी हेनरिक रोहरर को कहते हैं। सियाना रो को भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का पिता कहा जाता है, सियाना रो को भारत में है नैनो टेक्नोलॉजी का पिता कहा जाता है, जबकि आपको रिचर्ड फेनिमन ने सबसे अधिक नैनो प्रौद्योगिकी में कार्य किया है, तो नोरियो तानागुची ने सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अब जरा देखिए कि किसी भी ऐसे क्षेत्र में नहीं है जहां वर्तमान में नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं हो रहा है, चाहे आप ले लीजिए गाड़ियों के निर्माण से, एग्रीकल्चर में, स्वायर में, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, सभी क्षेत्रों में नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है वर्तमान समय में। आगे बढ़ते हैं, नैनो प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग, वही बात मैंने यहां भी किया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उंगलियों के निशान को बहुरंगी, ध्यान दीजिएगा, उंगलियों के निशान को बहुरंगी सतह पर उभारने में हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो फ्लोरोसेंट पाउडर का। यहां देखिए मैग्नीज ऑक्साइड है, मैग्नीज डाइऑक्साइड ये कैटलिस्ट उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, जब आपको ऑक्सीजन का निर्माण होता है तो वहां उत्प्रेरक की भांति काम करता है। और ये चारकोल है, चारकोल क्या होता है, तो चारकोल आपको ध्यान में रखना चाहिए कि लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा चारकोल का निर्माण होता है, किसके भंजक आसवन द्वारा, लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा किसका निर्माण होगा, तो चारकोल का निर्माण होता है, भंजक आसवन द्वारा चारकोल का निर्माण किया जाता है, चलिए एकदम ध्यान में रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यहां देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, कि उंगलियों के निशान को बहुरंगी सतह पर उभारने हेतु फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग किया जाता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग ऑक्सीजन के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, चलिए ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा अयस्क एल्युमिनियम का नहीं है, भाई साहब बेरिल एल्युमिनियम का अयस्क है, माइका एल्युमिनियम का अयस्क है, ऑर्थोक्लेज एल्युमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, लेकिन एंग्लेसाइट, ये जो है एंग्लेसाइट, ये PbSO4 होता है, और यह लेड का अयस्क है, किसका अयस्क है, लेड का अयस्क है, किसका अयस्क है, लेड, ये लेड मतलब पीबी हो गया, पीबी का अयस्क है, कौन आपको PbSO4 यानी एंग्लेसाइट है, कौन सा है, एंग्लेसाइट है, तो याद रखना है इसको। चलिए देखते हैं हम लोग, एंग्लेसाइट एल्युमिनियम का अयस्क है, एंग्लेसाइट PbSO4 लेड का अयस्क है, मोलिब्डेनाइट MOS2 ये एमओ का अयस्क है, याद रखिए मोलिब्डेनम का अयस्क है, पायरोलुसाइट ये क्या है, मैग्नीज का अयस्क है, बार बार आपसे पूछता है, बार बार जो जो पूछा जाता है वर्तमान समय में उसको ही मैंने यहां पर डाला है, बाकी तो आपको पता ही है। अब देखिए ठीक है, आपको एस्पेरिलाइट ये क्या है, प्लेटिनम का अयस्क है, जबकि वुल्फ्रेमाइट ये क्या है, तो आपको टंगस्टन का अयस्क है, मोलिब्डेनाइट ये मोलिब्डेनम का अयस्क है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पायरोलुसाइट ये किसका अयस्क है, तो ये मैग्नीज का अयस्क है, जबकि एंग्लेसाइट PbSO4 होता है, यानी लेड का अयस्क हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका, एक परमाणु दो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, ये मान लीजिए एक परमाणु है, पहला इलेक्ट्रॉन इसने त्याग किया तो ए प्लस बना लिया, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने त्याग किया ए प्लस है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने त्याग किया, फिर इलेक्ट्रॉन त्यागा तो भाई साहब ये बना लिया A2+, यानी ये दो धन आवेश ग्रहण करता है, कितना धन आवेश, दो धन आवेश ग्रहण करता है। तो याद रखिएगा परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो परमाणु के बारे में सबसे पहले कन्नाद मुंडे ने बताया था, बाद में आपको जॉन डॉल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। परमाणु ग्रीक भाषा का शब्द है जो एटोमोस से बना है, किससे बना है, एटोमोस से बना है, और इसका अर्थ होता है अनडिविजिबल, क्या होगा, अनडिविजिबल। लेकिन वर्तमान समय में परमाणु 100 से भी ज्यादा कणों में विभाजित किए गए हैं। अगर हम बात करें कि सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का है, लेकिन नाभिकीय त्रिज्या के आधार पर सबसे छोटा परमाणु हीलियम का होता है। परमाणुओं को देखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो STM स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है परमाणु को देखने के लिए। चलिए तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया कौन सा, डी नंबर।
आगे बढ़ते हैं, एक परमाणु दो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो दोन है दो धारा रेज ग्रहण करता है, परमाणु के दो भाग होते हैं नाभिक और वाह्य कक्षा। तो ये बातें याद रखिएगा। बेरिलियम आयन किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो बेरिलियम आयन है बीई, ठीक है बीई बेरिलियम है, इसकी परमाणु संख्या चार है। तो भाई साहब इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो बीई टू प्लस, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए एक तरफ से बात कर लेते हैं, मैग्नीशियम 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 इसने क्या किया, तो दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसमें दस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्योंकि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी, दस। अब देखिए सोडियम सोडियम में ग्यारह इलेक्ट्रॉन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो क्या हो गया, इसमें दस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। हीलियम इसमें दो इलेक्ट्रॉन है और इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो क्या हो गया, केवल इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। और देखिए लिथियम लिथियम की परमाणु संख्या तीन होती है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो क्या हो गया, आपको इसमें दो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो सम इलेक्ट्रॉनिक किसके साथ होगा, बेरिलियम बेरिलियम सम इलेक्ट्रॉनिक होगा लिथियम एल आई प्लस के साथ, लिथियम एल आई प्लस के साथ, क्योंकि बेरिलियम में भी दो इलेक्ट्रॉन और लिथियम एल आई प्लस में भी क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन होगा। याद रखिए अगर पॉजिटिव है तो इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, अगर निगेटिव है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है। तो ये बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। याद देखिए यहां मैंने किया है बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या चार में से दो, यानी दो इलेक्ट्रॉन होगा। सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यानी दस इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में दस इलेक्ट्रॉन, लिथियम में दो इलेक्ट्रॉन, तो लिथियम इसके साथ क्या होगा, बेरिलियम के साथ आपको सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। यहां देखिए डू नो इविल टैग लाइन किसका है, तो डू ठीक है नो इविल टैग ये गूगल का है, किसका है, गूगल का है। और गूगल के बारे में मैंने बताया कि ये एक सर्च इंजन है और वर्तमान में हमारे जीवन का एक आधार भी है, क्योंकि कुछ भी सर्च करना होता है तो गूगल असिस्टेंट के द्वारा तुरंत सर्च कर लिया जाता है, तो यह एक प्रमुख सर्च इंजन है, याद रखिए। अब देखिए इसमें देखिए इसमें याहू स्टार्ट पेज बिंग, ये देखिए याहू भी क्या है, आपको एक सर्च इंजन है, कौन सा इंजन है, सर्च इंजन है, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, डू नो इविल टैगलाइन गूगल का है, फेसबुक का टैगलाइन इट्स फ्री एंड ऑलवेज विल बी, ये किसका है, तो फेसबुक का है। तो बच्चे ये आपका मैंने आज 25 क्वेश्चन करवाया आपको डिस्कशन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट नंबर 10 का डिस्कशन हम लोग आपके साथ किए, तो निश्चित रूप से आप जुड़े रहिए मेरे साथ और इसका लाभ उठाइए, क्योंकि मैं केवल और केवल आपके लिए ही डिस्कशन करा रहा हूं और आपकी सफलता की कामना करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।